रात से एक एक समाजवादी कार्यकर्ता तैयार था आंदोलन के लिए। मैं इनको बधाई देता हूं कि आज सड़क पर निकल करके जो भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को रोकना चाहती थी, घड़ी में कैद कर रखना चाहती थी, लेकिन कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए और आज त्योहार के दिन होने की वजह से नवरात्र का त्योहार है, हर घर में आज त्योहार मनाया जाता है। इस संघर्ष को इसी तरह हम लोग जारी रखेंगे और आज घर के सामने ही हम लोगों ने जयप्रकाश जयंती, लोकनायक, भारत रत्न, समाजवादी नेता गांधी जी के साथ और भारत की आजादी में भूमिका निभाने वाले जयप्रकाश जी की जयंती हम लोगों ने वहीं पर मना ली। जो समाजवादियों ने म्यूजियम बनाया था जहां पर जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा है, हर वर्ष हम लोग वहां पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाते थे। समाजवादी सरकार थी उस समय, उद्घाटन हुआ था, नेताजी के साथ साथ बहुत सारे समाजवादी नेता उस दिन आए थे और सोशलिस्ट म्यूजियम का उद्घाटन हुआ था। जेपीएनआईसी का उद्घाटन बाद में हुआ है। जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके अंदर आज के समय पे जो मॉडर्न चीजें हैं, जिस तरीके से इंडिया हेरिटेज सेंटर बना हुआ है दिल्ली में, बड़े बड़े कल्चरल प्रोग्राम या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और समय समय पर वहां पर कार्यक्रम होते हैं, उससे भी बेहतर लखनऊ में नेताजी ने शिलान्यास किया था और पिछली समाजवादी सरकार में उसको पूरा किया गया था। ये जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है। सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के साथ साथ इसके अंदर देश का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है और जो इसका स्ट्रक्चर है, जो कैंटिलीवर है, शायद बिना पिलर के इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल कहीं देश में नहीं होगा जो जेपीएनआईसी के अंदर है। साथ ही साथ 1200 गाड़ियों की पार्किंग है, 200 कमरे हैं, तमाम स्पोर्ट्स की चीजें हो सकती हैं उसके अंदर, लॉन टेनिस का इंडोर प्लेग्राउंड है, वर्ल्ड क्लास ऑल वेदर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है और इसके साथ साथ इसकी सबसे ऊंची मंजिल पर हेलीपैड भी बना है। ये भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं बना पाए जिसमें हेलीपैड हो। समाजवादियों ने लखनऊ में दो दो ऐसी बिल्डिंग बनाई है जिसमें हेलीपैड है, इमरजेंसी के समय पर या किसी और घटना के समय पर हेलीकॉप्टर उतर सकता है और उसी जगह पर कैंटिलीवर का 8 मीटर कैंटिलीवर स्विमिंग पूल भी है, क्योंकि इधर बहुत सारे लोग, नए जमाने के लोग कैफे जाते हैं, चाय पीने कैफे का एक नया कल्चर शुरू हुआ है। कम से कम उस टॉप फ्लोर पर कैफे भी रहता, न केवल बिल्डिंग के ऊपर आप बैठ सकते थे बल्कि पूरे लखनऊ को देख सकते थे और रिवर फ्रंट आपको देखने को मिलती, साथ ही साथ जनेश्वर पार्क और लोहिया पार्क देखने को मिलता आपको। लेकिन ये सरकार विनाशकारी है, इनके चेहरे के भाव जो है वो विनाशकारी है। और किसी बड़े जानकार ने मुझे बताया कि बीजेपी के नेताओं के अगर हाथ देखोगे तो उसमें विनाशकारी रेखा दिखाई देगी आपको, तो इनसे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र की कोई और जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बहाना ले रहे हैं कि वहां पर आपको बिच्छू दिखाई दे जाते, अगर इन्हें इतनी चिंता थी बिच्छू की तो सफाई क्यों नहीं कराई इन्होंने, इस म्यूजियम का रखरखाव क्यों नहीं किया, इस बिल्डिंग को पूरा क्यों नहीं किया। लेकिन अपने लोगों को उन्हें लाभ पहुंचाना था, 70 करोड़ रुपए इसके सैंक्शन हुए हैं। समय समय पे हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि ये बिल्डिंग
पूरी की जाएगी। किसी ने पीआईएल भी की, एक वरिष्ठ पत्रकार ने पीआईएल भी की, तो सरकार ने भी एफिडेविट लगाया और सुनने में आ रहा है ये बिल्डिंग वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इधर ये सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डिंग बेचना चाहते हैं। जैसे और इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें लखनऊ की बेची हैं, उदाहरण के लिए बहुत सारे यहां साथी ये नहीं मानते होंगे कि जो प्लासियो मॉल है वो समाजवादियों का और सरकार का बनाया हुआ है। जो सबसे सुंदर मॉल था, अच्छा मॉल था, दिल्ली में भी ऐसा मॉल नहीं होगा, ये सरकार का मॉल था, सरकार का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, तो उसको सरकार बनते ही बीजेपी ने बेच दिया। किसान बाजार था वो बेच दिया, स्टेडियम का नाम बदल दिया। हम समाजवादियों ने जो बिल्डिंगें बनाई, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट हो, किसी समाजवादी नेता के नाम पर नहीं रखा, न प्रतिमा लगाई। लोक भवन में कभी भी किसी की प्रतिमा हम लोगों ने नहीं लगाई, लेकिन लोक भवन में भी इन्होंने प्रतिमा लगा दी है। तो ये तो यही परंपरा जारी करना रखना चाहते हैं कि आज हम आपके महापुरुषों को सम्मान नहीं करने दे रहे, कल आपकी सरकार बन जाए तो आप भी महापुरुषों को सम्मान मत करने दो। तो ऐसे लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं। और जेपी ऐसी बिल्डिंग जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा बनेगी, पूरा किया जाएगा। और ये कब तक लगा के रखेंगे टीन शेड? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक हफ्ता, छह महीना, दो साल बाद तो इनके इन्हें अपने आप को बचाने के लिए टी शर्ट लगानी पड़ेगी।